खूबसूरत जन मेरे सहकर्मी प्यारे बच्चों सुप्रभात। रोज मॉर्निंग असेंबली में बच्चे आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर विचार सुनाते हैं, सुंदर सुंदर कविताएं। पहले छोटी बच्ची ने बहुत ही सुंदर विचार सुनाया था कि अपने आप को कभी भी कम मत आंको, आप जितना अपने आप को समझते हो उससे आप में बहुत उससे कहीं ज्यादा क्षमता है, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं सचमुच। और इसके बाद बच्ची ने कविता बड़ी सुंदर सुनाई, सपनों में उड़ान भरो, यानी हम सोचेंगे तो हम कर भी सकेंगे, अगर सोचेंगे नहीं, अपने आप को कम सोचेंगे, ये हम नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। अगर आप सोचोगे कि हम भी, हम में बहुत कैपेसिटी है, बहुत क्षमता है, हम भी ऊंचाइयां छू सकते हैं, हम किसी से कम नहीं, हम भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, तो आप जरूर उसमें कामयाब होंगे। इस तरह के भाषण अक्सर आपको देते हैं और बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ इस पर चल भी रहे हैं, लेकिन और ज्यादा चलने की जरूरत है। तो इसी से संबंधित मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन भारत में क्या था बच्चों, कि बच्चे जो थे वो गुरुकुल में जाके विद्या ग्रहण करते थे, जिसको आज के जमाने में कहते हैं बोर्डिंग स्कूल, यानी सारे बच्चे 6 साल की उम्र में ही बालक चले जाते थे गुरुकुल में, और फिर 25 साल तक वहाँ पढ़ाई करके विद्या ग्रहण करके वापस लौटते थे। इसी तरह एक बालक था, हाँ उन बालक का मैं नाम बता देती हूँ आपको, कि वो एक उस उन बालक की बात से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम है वरदराज। तो उस उन्हीं के बचपन की बालकपन की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। वरदराज जो है जब बचपन में अपने गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। वो बालक जो था उसने उसको कुछ आता नहीं था, सारे बच्चे उसको चढ़ाते थे और बुद्धू बुद्धू बोलते थे, यानी जब बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, नालायक हो, सारे बच्चे उसको चढ़ाते भी हैं और नाम भी बिगाड़ते हैं, तो वरदराज उसको कोई नहीं कहता, सब उसको बुद्धू बुद्धू कह के छेड़ते थे। तो